Hey guys, welcome back to my YouTube channel। आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही डिलीशियस। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसन लेना है और उसमें रिफाइंड ऑयल और हल्का सा नमक डाल के उसको अच्छी तरीके से गूंद लेंगे और फिर उसको इस तरीके से बेल के और छोटे छोटे पार्टों में काट लेंगे। इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से इसको कट कर लेना है और इसके बाद हम पानी बॉयल होने के लिए रखेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी बॉयल हो रहा है अच्छी तरीके से। इसमें हम ये सारी चीज़ों को डाल देंगे जो हमने बेसन से काट के रखी हुई है। इसको डालने के बाद इसको हम 10 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाएंगे जब तक कि ये अंदर तक पक ना जाए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फूल के बड़ा भी हो गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लगभग में पक गया है और इसका साइज भी काफी बड़ा हो गया है। और अब इसको हम निकाल लेंगे और इसका पानी छन्नी की मदद से छान देंगे, अलग कर देंगे इसको। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सबसे पहले यहाँ पे ऑयल लेंगे, ऑयल में जीरा डालेंगे। जीरा अच्छी तरीके से भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन और प्याज और उसको भी अच्छी तरीके से यहाँ पे जब तक ये सुनहरा नहीं हो जाता है जब तक इसको अच्छी तरीके से भुन लेंगे। और इसको इसी तरीके से चलाते जाएंगे। और अगर आप बेसन की इस तरीके से सब्जी बनाते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया सब्जी बन के रेडी होती है। आप एक बार ज़रूर इसको बना के ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो कि क्या बनाएं तब आप ये बना के ट्राई कर सकते हैं। और अब इसमें हम इसको अच्छी तरीके से डाल देंगे ताकि ऑयल में इसको भी अच्छी तरीके से फ्राई कर सकें थोड़ा थोड़ा। और इसको अच्छी तरीके से ऑयल में फ्राई करते जाएंगे और डाल के जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी जब इसके बाद इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ पे लेंगे हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। और यहाँ पे लेंगे काश्मीरी मिर्च और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और आप यहाँ पे चाहें तो कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लीजिए वरना स्किप कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे पानी और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे।
और यहाँ पे नमक टेस्ट के अनुसार डाल लेना है और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।